भाई अगर आप डिटेल में बता पाओ एक एक्सीडेंट हुआ कैसे, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए जो। भाई एक्सीडेंट एक्चुअली पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी भी जो मेरा केस है वो चल रहा है, शायद मैंने अपनी वीडियो में भी नहीं बताया, वो केस अभी भी चल रहा है और मेरी केस की डेट भी है। आपने नई बाइक ली थी ना? हाँ नई, मैंने लगा लो मतलब वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है, मतलब इसके ऊपर कोई बाइक ही नहीं है, ये लास्ट है, इसके ऊपर एंड है, इसके ऊपर तो क्या ही लेगा बंदा। जैसे आपने गाड़ियों में कोई बेंटले शेंटले या रोल्स रॉयस ले ली तो वैसे बाइकों में ये H2 है, तो मैंने ली, शौक था भाई। और फिर अपने को ना, मेरे को हमेशा ऐसा होता है कि कुछ अलग करना है, कि जो लोग नहीं करते वो मेरे को करना, तभी लोग देखेंगे और मेरे को मजा भी किक उसी चीज में आती है। तो जैसे मैं बाइक लेके माइनस टेम्परेचर में चला गया था अपनी 1250 नेपाल मस्टैंग, किसी ने नहीं कर रखा, पूरे इंडिया में दो बंदे हैं या तीन बंदे हैं उसमें से एक मैं हूं, मैंने कर रखा है। नेपाल में एक मस्टैंग जगह पड़ती है, -28 -30 टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर भी दिक्कत नहीं है, वहां जाने के लिए आपके 75-80 हजार रुपए का एक पास लगता है सिर्फ 3 दिन के लिए वहां से आना जाना। अच्छा। तो वो मैंने कर रखा है क्योंकि मेरे को था कि हाँ भाई कुछ अलग करना है। और H2 का सीन ये था कि नेपाल में पूरे H2 है ही नहीं और उनको उन्होंने देखी, सामने से तो किसी ने देखी भी नहीं। अच्छा। और मेरे को था कि नेपाल एंटर करूंगा, जगह जगह मीटअप करूंगा ताकि वो बाइक भी देखे, मेरे से मिले, इससे क्या अपनी पब्लिसिटी भी होगी, देखो दोनों तरफ फायदे हैं, और दूसरा वहां पर भी वो लोग देख पाएंगे कि भाई H2 क्या चीज होती है। तो मेरे को था कि हाँ भाई अपने को भी टाइटल मिलेंगे कि भाई पहली H2 नेपाल में एंटर हो रही है। हाँ, ठीक है, हाँ, पहली बार लोगों ने नेपाल में H2 देखी। हाँ, और अपनी जो यहाँ बाइक है मेरे ख्याल से 45-50 लाख की है, वही बाइक सेम वहां पर 1.5-2 करोड़ की है, तो 1.5-2 करोड़ की वो सोचते भी नहीं खरीदने के लिए कि क्यों नहीं खरीदेगा। तो मेरा मेन मोटो ये था। और फिर एक्सीडेंट का क्या सीन हुआ कि बाइक ली, अब प्लान मेरा पहले ही था वहां जाना है, इवन मैं इतनी सारी चीजें करके गया था ना, मैंने इतनी सारी राइडें करी हैं, इतनी सेफ्टी मैंने किसी चीज किसी बाइक में नहीं ली ना गाड़ी में, इसमें मैंने टायर चेंज करा दिए, बैटरी का मेरे को डर लग रहा था हल्की वीक है, बैटरी एक्स्ट्रा दूसरी बाइक में लेके गया, साथ में मेरी दूसरी बाइक भी गई थी BMW, उसमें मैंने इतनी सारी चीजें टूल वूल अटरम सटरम सब रख लिया था कि भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रस्ते में, पहली बार मैं सुपर बाइक ऐसे क्रॉस कंट्री लेके जा रहा हूँ। और फिर तीसरे दिन ही निकल गया डिलीवरी के। और सीन क्या हुआ था, जैसे कोई एजेड अंकल थे, मेरी आगे से 1250 निकली, उसकी आवाज भी थोड़ा लाउड है और ज्यादा स्पीड नहीं थी हमारी, अभी लोगों ने इतने हवे बना दिए, जब मैंने वो वीडियो देखी ना 150 की स्पीड पे ठुक गया, 200 की स्पीड पे ठुक गया। भाई मैं बता दूं अगर 150 या 200 पे बंदा ठुक रहा है ना वो बचेगा नहीं, चाहे जितने मर्जी गियर पहने हो, चाहे 2 राइडिंग पैंट पहनी हो, 3 राइडिंग जैकेट पहनी हो, वो नहीं बचेगा, अंदर ही अंदर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मेरी स्पीड थी मेरे ख्याल से 50 या 60, इससे ऊपर नहीं थी। और उस रोड पे भी जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ वहां पर भी स्पीड की लिमिट थी 50 या 60, 60 से ऊपर अगर होता ना तो मैं नेपाल से वापस नहीं आ पाता। अभी सबको ही पता नेपाल और इंडिया के टर्म्स सही नहीं चल रहे। ठीक है, तो मेरी स्पीड भी उसके अंदर थी, और बाय चांस की बात है उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था, मेरे पास कैमरा नहीं था, जो मेरा कैमरा था ना वो ऑन नहीं था, लेकिन उस रोड पे कैमरा लगा हुआ था, उसके बेस पे उन्होंने चेक करा कि क्या स्पीड थी, ये कहीं उस पे तो नहीं था, वहां के रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल यहाँ के अलग है, तो 60 से ऊपर स्पीड नहीं होनी चाहिए थी मेरी। जो बंदा रोड क्रॉस कर रहा था वो जेब्रा क्रॉसिंग पे नहीं होना चाहिए था, और वो नहीं था, जेब्रा क्रॉसिंग थी नहीं उस रोड पे, काफी आगे जाके थी, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। दूसरा क्या था, जब मेरी 1250 निकली ना, वो काफी ह्यूज बाइक है, मतलब जितना ऑटो होता ना इतना बड़ा तो इंजन ही है उसका, इतना बड़ा फ्रंट है उस बाइक का, तो वो निकली ना तो वो अंकल उस बाइक को देखने लग गए रोड के बीच में खड़े होके, तो वो ऐसे पूरा उधर, मतलब जैसे ये बाइक निकली मैं यहाँ खड़े, वो पूरा ऐसे रोड के बीच में मिड में खड़े होके वो उस बाइक को देख रहे हैं। उनको ध्यान नहीं गया कि पीछे से दूसरी बाइक भी आ रही है, और मेरी स्पीड धीरे ही थी, तो मेरे को लगा बंदा रुका हुआ तो मैं उसके आगे से निकल जाऊंगा, तो मैंने जैसे ही उनके आगे से, मतलब ये बंदा खड़ा है, रोड भी इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं थी, लगा लो आधे कमरे जितनी, जितना कमरा है आधा, तो मेरे को लगा उनके आगे से निकल जाऊंगा, जैसे उनके आगे से निकलने लगा वो चल पड़े, और वो चल पड़े और उनको इवन मेरी बाइक भी टच नहीं हुई, ये चीजें मैंने आज तक अपनी वीडियो में भी नहीं बताई। हाँ। तो उनको मेरी बाइक भी टच नहीं हुई थी, उनको मेरा हाथ लगा था, और हाथ लगते ही उनकी एज ज्यादा थी और वो उसी टाइम जमीन पे गिर गए, और मेरा हाथ लगा, मेरा हाथ ये वाला बाइक से छूट गया, मेरा बैलेंस छूट गया, और साइड में नाली थी। हाँ। जैसे ही हाथ छूटा ना इधर प्रेशर आया, हैंडल इधर को मुड़ा, घुसते में नाली में चला गया, और सोचो आप 40-50 की फीट ज्यादा नहीं है, अगर मैं रोड पे गिरता मुझे एक भी खरोच भी ना आती, इवन मेरे को खरोच आई भी नहीं थी, जब वो 40-50 की स्पीड चलते चलते एकदम से आगे ऐसे दीवार आ जाएगी ना, वो स्पीड डबल प्रेशर पड़ता है। हाँ। वो नाली में जाके एकदम से रुकी, मैं प्रेशर से उड़ के गया और सामने था खंबा, और उस खंबे पे मेरी लाते लगी दोनों की दोनों, और अगर वो खंबा ना होता तब भी मुझे कुछ ना होता, वो नाली ना होती तब भी मुझे कुछ ना होता, और वो अंकल ना होते तो फिर दोनों को कुछ ना होता।
तो बस ये सीन था, और उसके बाद तो फिर बुरा हाल था। उसके बाद पहले तो मेरे को 5 मिनट तो सोचने में लग गया क्या हुआ। और ये खंबे वाला सीन तो मेरे को अंकल तक याद है कि अंकल मेरे से टकराए, उसके बाद मुझे नहीं याद। उसके बाद फिर जब 2 मिनट बाद होश आया तो मैं जमीन पे बैठा हुआ था, तो तब भी मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है। मैंने उठने की कोशिश करी और मेरे पैर दोनों ऐसे पड़े हुए थे, ये पैर तो पूरा ऐसे को मुड़ा हुआ था। देखा मैंने, बोला भाई ये तो गया, और कहीं से खून वून नहीं आ रहा था, ऊपर का शरीर मैंने देखा सब सही है। फिर मैंने कोशिश करी उठने की, नहीं उठा, ये टांग हिला नहीं, कुछ करी ये भी नहीं ली। मेरे को लगा भाई ये गया। फिर मैंने घर पे फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। उसी टाइम मैंने लगा एक फोन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था वहां बंदे ने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। तो उस टाइम बता दिया आपने घर पे कि भाई दोनों टांग, हाँ मैंने बता दिया था घर पे कि दोनों टांगे खत्म हो गई है। अब ये नहीं पता कितनी, एक हड्डी भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, हिली नहीं रही है। तो लोग आपको मतलब वो वीडियो बना रहे थे कोई वैसे बचाने या ले जाने? एक्चुअली क्या है, वो जो जिस एरिया में मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, अभी अपनी वीडियो नेपाल से भी काफी बंदे देख रहे होंगे, नेपाल से मतलब ऐसा है ना, नेपाल वाले अपने को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला टूर नहीं था नेपाल का, ये चौथा टूर था। कभी किसी जगह हम बार बार इसलिए जाते हैं ना कि वो बंदे में प्यार करते हैं। सही बात है। तो नेपाल वाले अपने को बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने पूरा साथ भी दिया। तो वो रोड जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ ना, उस रोड पे गजूरी है उस रोड का नाम, भूल नहीं सकता मैं लाइफ टाइम। तो उस रोड पे आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है, इसलिए वहां कैमरे लगे हुए हैं। तो वहां जब भी एक्सीडेंट होता है ना, तो वहां के मैंने सुना ही है वहां के बंदे बाइक वाइक फोड़ देते हैं। इवन मेरे से 2-3 दिन पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, वो बस को जला दिया था उन्होंने। तो ऐसा होता है, लेकिन अपने सब्सक्राइबर ही वहां खड़े हुए थे, उन्होंने पहचाना ये तो प्रभजोत है, प्रभजोत है। इवन जो पुलिस वाले आए वो भी सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला प्रभजोत है, प्रभजोत है। फटाफट से एम्बुलेंस कॉल करा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ मेरे साथ। एम्बुलेंस कॉल करा, मेरे को उठाया डाला, लेकिन वो वाला सीन जो था ना, टांगे पूरी मुड़ी हुई थी, सीधी हो नहीं रही थी, फट्टे लेकर आए वो दो, मेरी टांगों के नीचे हिप तक यहाँ फट्टे फंसाए, टांगे पूरी सीधी करी, टांगे बांधी, एम्बुलेंस में घुसाया। अब ये चीजें तो रिकॉर्ड कहीं ने, किसी ने आधी आधी कहीं ने डाली है, मैंने तो रिकॉर्ड करी नहीं कुछ। जब मेरे को एम्बुलेंस में डाला ना, तो एम्बुलेंस का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फट्टा मेरे पैर से लगा लो लंबा था, अब वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा। अब दरवाजा बंद बिना बंद में तो वो टकराएगा बार बार, लेके जाएंगे तो जाना भी कम से कम 70 किलोमीटर था वहां से। तो उसके बाद वो गए फिर एक गली के अंदर, जहां मेरे को थोड़ा थोड़ा जाना, गली में गए, फिर उन्होंने दुकान से, लकड़ी वाली दुकान थी, वहां से एक बंदा आया मशीन लेके, अब वो मशीन से काट रहा है वो लकड़, और वो लकड़ काट रहा है, पूरे पैर में वाइब्रेशन हो रही है। अब मैं उसको मना भी नहीं कर सकता, वो है ही जरूरी करना। अब वो जब काट रहा है ना, जब लकड़ी काटते हैं ना, धुआं उठता है, और वो धुआं पूरा गाड़ी के अंदर, भाई एक तो पहले ही दर्द, ऊपर से सांस नहीं ली जा रही। अब साथ में जो बंदे बैठे हुए स्टेन दोस्त, वहीं के दोस्त से स्टेन नाम था उसको, मैं उसको रो, खिड़की खोल, सांस नहीं आ रहा, वो मेरे को हवा कर रहा है, मैं सांस आया। फिर दोनों लकड़ी काटी, फिर लेके गए उसके बाद वहां तक। लेकिन वो ये जब लेटा हुआ था ना, सबसे ज्यादा मेरे को ये होता कि लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, हेल्प करने वाले भी आते हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाले भी आते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है कि हाँ भाई फटाफट से कंटेंट है, उनको पता प्रभजोत है, जितना निकल सकता है निकाल लो, तो प्रभजोत गिर गया है, ये है वो है, खत्म हो गया, उठ नहीं रहा, ये वो, पता नहीं क्या क्या।